हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। AIQ स्ट्री वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है, डिले हो रहा था थोड़ा लेकिन आ गया है। बहुत ही गलत टाइम पे आया है, इस वजह से सीट ब्लॉक हुई है। बिहार के राउंड 3 के बाद अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जल्दी आ गया है स्ट्री वैकेंसी का रिजल्ट। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉक हुई है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ अपन को देखने को मिली है। स्क्रीन पे आप स्ट्री वैकेंसी की कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में रही है 23,562, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। सबकी कैलकुलेशन फेल हो गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें ब्लॉक हुई है और ब्लॉकर्स को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। OBC की बात करें तो 23,575, EWS की बात करें तो 25,005, SC की बात करें 1,28,978, इसमें भी काफ़ी हाई रही है। ST की बात करें तो 1,68,853, ये कट ऑफ स्ट्री वैकेंसी की रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। बिहार के राउंड 3 का रिजल्ट ना आने की वजह से ऐसा हुआ है। और भी बहुत सारी सीटें ब्लॉक हुई है स्ट्री वैकेंसी के शेड्यूल्स की वजह से। बहुत सारे स्टेट्स के स्ट्री वैकेंसी के शेड्यूल आपस में क्लेश कर रहे थे, इस वजह से सीटें ब्लॉक हुई है। सीट ब्लॉक होने के कारण अगर सीटें खाली बसती हैं थोड़ी बहुत, तो स्ट्री वैकेंसी एक और कराया जा सकता है, स्पेशल स्ट्री वैकेंसी। तो उसका वेट करते हैं, देखिए कब होता है। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।